तहरीक इंसाफ ने कराची में 16 मार्च के जिमनी इलेक्शन रुकवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के साबिक अराकीन कौमी असेंबली की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी गई। मौके पर लाहौर हाई कोर्ट ने जिमनी इलेक्शन रोकने का भी हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कराची में जिमनी इलेक्शन को जवाब नहीं है। 16 मार्च को जिमनी इलेक्शन के इनकाद का नोटिफिकेशन कालादम करार दिया जाए। अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी का फैसला कालादम और नशस्तें बहाल की जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।